आश्रम की स्थापना तो महाराज ने 85 में की है। अब महाराज जी यहाँ कैसे आए उसके बारे में बोलेंगे। जो हमने हम तो यहाँ आने के पहले आश्रम स्थापना की, तो मदी साहब गए थे इंदौर, तो इंदौर में गुरु महाराज जी थे और मदी साहब महाराज से दिखे। तो मदी साहब ने महाराज जी को कहा कि आप बम्बे आए, तो वहाँ के व्यक्ति ने कहा बम्बे में तो कोई जगह नहीं महाराज जी को बैठाने के लिए, आप लेके कहाँ रखो। उन्होंने कहा कि हम करेंगे व्यवस्था। फिर गुरु महाराज ने कहा ऐसा जगह देखो जहाँ मेन रोड से दूर हो और छोटा सा रोड हो, रोड के किनारे जगह हो, वहाँ एक पानी की व्यवस्था हो, एक बोड़ी हो, बिजली की व्यवस्था हो, फिर हम आके यहाँ चतुर्मास करेंगे। तो फिर ये जगह मोदी साहब कालिदास जी इधर उधर ढूंढ ढांड के ये जगह उन्होंने देखा और महाराज जी को पसंद आ गया। तो उस समय ये जगह एक रूम था जो गुरु महाराज जी का निवास था और एक मंदिर जो सामने है वही सब कार्यक्रम होता था। लोग वही विश्राम भी करते थे, रात को सोते थे, सुबह गुरु महाराज जी और साधन भी कराते थे, दीक्षा भी देते थे, पूजा आरती भी वहीं होती थी, भोजन नाश्ता सब ही। और बाजू में भी जो स्टोर है वो किचन था, बहुत एक कमरा था छोटा सा जहाँ लोग भोजन करते थे, दो चार लोग होते, बाकी लोग ज़्यादा होते थे यहीं करते थे। और दो लेटरिन एक बाथरूम इतना था पहले। इस गुरु महाराज जी 88 में यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाने आए, देवाज आश्रम से गुरु महाराज जी यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाने आए। तो गुरु पूर्णिमा मना करके चतुर्मास के और खुद गुरु महाराज जी ने मेहनत करके हल का काम शुरू किया जो उनका जो क्रम होता है। उस समय टेंट लगाए थे यहाँ, जगह था, कुर्सियाँ मंगाई थी लोगों को बैठने के लिए, जो लगाए थे वो हवा से उड़ जाता था। फिर चतुर्मास के अंदर गुरु महाराज जी ने ये हाल किचन जहाँ भोजन करते हैं और उनका निवास गुरु महाराज जी कुटिया बोलते हैं ये 88 में बन गया। फिर धीरे धीरे करके गुरु महाराज जी के कृपा से विस्तार हो गया। तो गुरु महाराज जी ने ये आश्रम का नाम देवात्मा शक्ति सोसाइटी रखा है। तो जब उपनिषद हम पढ़ते हैं श्वेता शीतल उपनिषद में ते ध्यान जोगानु गता पैसन देवात्म शक्ति स्वगुणे निगुणम यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्ता न्यधि तिष्ठत्ये कः। तो श्वेता शीतल उपनिषद का ये मंत्र है। गुरु महाराज जी ने चुन करके नाम रखा है और देवात्मा शक्ति सभी के अंदर विराजमान है। तो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर नाम रखा है, उन्होंने ट्रस्ट बनाया और उनकी कृपा प्रसाद से धीरे धीरे करके पढ़ता था। और उस समय हम देखते हैं जब हम ऋषिकेश छोड़ कर के यहाँ आए, पहले दिन यहाँ पहुँचे शाम के टाइम पर अंधेरा अंधेरा हो गया था। तो हम जगह देख करके हमको लगा भैया हम ऋषिकेश छोड़ के कहाँ आ गए, चारों साइड घास फूस उबड़ खाबड़ था। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से
जब साधन भजन सेवा सब ठीक से चलती है ना, फिर आनंद आएगा।